नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गुजरात आया हूं। जब बेटा अपने घर आकर आशीर्वाद लेता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। पीएम ने यह भी कहा कि कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि में पैदा हुआ बेटा हूं। चुप रहकर देश हित में नीति बनाने में लगा हूं। प्रधानमंत्री यहां 8,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। इसी समय केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और नया नाम सौंपेंगे। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। आपकी राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक भी सोमवार शाम को ही। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई थी। केजरीवाल ने नए सीएम को लेकर 1-to-1 चर्चा की। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा को साडू बताकर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पीसीसी चीफ ने किरोड़ी मीणा को साडू क्यों बताया। बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में आयोजित किसान महासम्मेलन में पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किरोड़ी मेरा साडू बन गया है। गोलमा देवी और सुनीता को मैंने बहन बना लिया है और मैं और किरोड़ी दोनों इस पर्ची सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, तो हम साडू हो गए। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर से बयानबाजी हो रही है। ताजा बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को अपना वादा याद दिलाया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पीएम ने भरतपुर की एक जनसभा में पेट्रोल डीजल के दामों पर समीक्षा करने का वादा किया था। ऐसे में प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार से कीमत कम होने को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान में पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए पीटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में सीबीटी परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवार 23 सितंबर से 25 सितंबर तक दक्षता परीक्षा में बैठेंगे। आपको मालूम है कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 14 जून 2024 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत सोमवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रार्थना में कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है और इस राष्ट्र का कुछ अच्छा या बुरा होता है तो कीर्ति और दोष दोनों हिंदू समाज पर आते हैं, इसीलिए यह हिंदू राष्ट्र है। पाली शहर के गुरु पुष्कर जैन साधना संस्थान में सोमवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भोजनशाला का शिलान्यास किया। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभागों के जिलों में 17 से 19 सितंबर तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अब तक औसत से 61% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस सीजन में अब तक 668.5 mm बरसात हो चुकी है। जोधपुर में एक ग्रामीण क्षेत्र के ओसिया के निकटवर्ती सड़क हादसा सामने आया है। यहां भारतमाला प्रोजेक्ट पर एक पिकअप के पलटने से 20 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे के करीब यह हादसा हुआ और बीकानेर के रहने वाले परिवार के लोग पिकअप में सवार होकर रामदेवरा गए थे। तभी सिरमंडी के निकल प्रोजेक्ट पर आ रही एक कार ने उन्हें धक्का मारा। इसकी वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है और हादसे में पिकअप सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए। राजसमंद में आज मंगलवार 17 सितंबर को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन अणुमत विश्व भारती सभागार में होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में 17 सितंबर मंगलवार को इसे मनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव विश्व भारती सभागार में आयोजित किया जाएगा। दिवराला ग्राम की पानी, सड़क, गंदगी जैसी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और गांव की मूल समस्या पानी की है, इसको लेकर मेरी प्राथमिकता रहेगी। यह बात नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिवराला नागरिक सेवा समिति जयपुर की ओर से संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और नागरिक सामूहिक गोठ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ आज झुंझुनू आएंगे। मंगलवार को वे ट्रेन से सुबह 8:20 पर झुंझुनू पहुंचेंगे और यहां से जिला मुख्यालय स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छ राजस्थान अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिला कलेक्टर मीणा ने अधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए निर्देश देते हुए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। इस दौरान SP शरद चौधरी, COCT वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
बारा शहर के प्रताप चौक पर रास्ते को लेकर पुलिस और जुलूस में शामिल लोग आमने सामने हो गए। जुलूस में शामिल लोग निर्धारित मार्ग से दूसरे मार्ग पर जुलूस को ले जाना चाहते थे। पुलिस ने समझाइश करके मामला शांत कराया और वहीं इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त शेयर हो रहा है। आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पीएम मोदी के जन्मदिन पर संगठन के साथ साथ सरकार भी आमजन के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहने के लिए कहा है और मंत्री जिलों में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता ही सेवा अभियान, रोजगार उत्सव के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इस आदेश में सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग से हरियाणा की ओर से 225 कंपनियों की मांग की गई थी, जिनमें से 70 कंपनियां 25 अगस्त तक राज्य में पहुंच चुकी हैं। सीमा सुरक्षा बल की 10, भारत तिब्बत सीमा पुलिस सेवा की 10 और रेलवे सुरक्षा बल की 10 कंपनियों को गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा में भेजा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।